A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 25th June. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is 2 is 1, too many. देखें, 2 यहाँ पे यूज किया गया है. तमिलनाडु के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम है AIADMK, जो कि एक बहुत ही प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी है. वहां उस पर्टिकुलर पार्टी के दो लीडर्स हैं, एक है पनीर सेल्वम और दूसरे हैं प्लानी स्वामी. दोनों के दोनों प्रोमिनेंट फेस हैं उस पॉलिटिकल पार्टी के, और दोनों के दोनों जो लीडर हैं उनके पास पावर है. अब दोनों के दोनों जो ये पॉलिटिकल लीडर्स हैं AIADMK के, उनके बीच फिलहाल एक पार्टी के अंदर लीडरशिप को लेकर एक टसल चल रहा है. टसल का मतलब है कंफ्लिक्ट चल रहा है, और ये कंफ्लिक्ट है, ये जो एक मनमुटाव है, ये पनीर सेल्वम और प्लानी स्वामी, जो कि उस पॉलिटिकल पार्टी के प्रोमिनेंट फेस हैं और लीडर हैं, इन दोनों के बीच में फिलहाल क्या चल रहा है, उस पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप को लेकर इन दोनों में एक टसल कंफ्लिक्ट चल रहा है. तो इसी बात को हम इस एडिटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं. तभी इस एडिटोरियल का जो टाइटल है वो लिखा है 2 is 1. 2 is 1 यानी 2 किसके लिए यूज किया गया है, एक पनीर सेल्वम और प्लानी स्वामी के लिए यूज किया गया है. 2 many यानी एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर अगर 2 लीडरशिप होंगी तो वो बहुत ज्यादा हो जाएंगी. ऑन AIADMK लीडरशिप टसल, और जो AIADMK है जो कि पॉलिटिकल पार्टी है, उसके अंदर लीडरशिप को लेकर, नेतृत्व को लेकर एक टसल बना हुआ है. कहीं ना कहीं पनीर सेल्वम इस बात को क्लेम करते हैं कि वो लीडरशिप करेंगे, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए प्लानी स्वामी वो इस बात को क्लेम करते हैं कि वो लीडरशिप करेंगे. तो यही एक टसल बना हुआ है. इसी बात को हम इस एडिटोरियल में डिस्कस करेंगे. लेट अस स्टार्ट. मद्रास हाई कोर्ट, अब मद्रास का जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, रिलीफ फिलहाल मद्रास की तरफ से जो एक रिलीफ मिला है, रिलीफ का मतलब थोड़ा बहुत आराम राहत जो मिली है. मे नॉट प्रिवेंट, प्रिवेंट का मतलब रोकना, मार्जिनलाइजेशन का मतलब हो गया एक तरीके से सोशल एक्सक्लूजन का मतलब एक तरीके से बहिष्कार करना, बाहर निकाल देना. वैसे एग्जैक्टली इसका मीनिंग होता है हाशिए पर. हाशिया क्या होता है, जनरली किनारे पर. ऑफ पनीर सेल्वम इन AIADMK जो कि पॉलिटिकल पार्टी है. फिलहाल मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से एक रिलीफ मिला है. रिलीफ का मतलब हो गया एक तरीके से राहत मिली है, जिसके तहत मतलब ये राहत तो मिली है लेकिन ये जो डिसीजन है वो प्रिवेंट नहीं कर सकता है किसको, पनीर सेल्वम को, मतलब राहत नहीं दे सकता है. यानी कि कहीं ना कहीं उसको एक थोड़ी बहुत राहत तो मिली है, लेकिन इस डिसीजन से जो पनीर सेल्वम जो है, जो कि एक हाशिए पे आ चुके हैं, ऑलमोस्ट उसका एक्सक्लूजन होने वाला है, उसको नहीं रोका जा सकता है. अभी कुछ टाइम के लिए उस डिसीजन की वजह से वो रुक गया है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में डेफिनेटली सी बात है पनीर सेल्वम के लिए जो टाइम पीरियड रहेगा AIADMK के अंदर वो काफी चैलेंजिंग रहने वाला है. अब प्री डान, देखो डान क्या होता है, ये सुबह का टाइम होता है, सनराइज का जिसको टाइम बोलते हैं. प्री डान का मतलब यहां पर हो गया बिफोर राइजिंग द सन, कोर्ट ऑर्डर. और फिलहाल अगर देखा जाए कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया, मे हैव ग्रांटेड, मतलब कोर्ट ने एक डिसीजन दिया जिसके तहत उसको ग्रांट किया गया, उसको परमिशन मिली क्या, टेम्परेरी रिलीफ. एक मतलब एक टेम्प्रेरी मतलब कह सकते हो जिसकी मतलब एक लंबे टाइम तक ना चलने वाला, एक टेम्प्रेरी रिलीफ तो दिया गया, एक राहत तो दी गई किसको, टू AIADMK जो कि पॉलिटिकल पार्टी है, कोऑर्डिनेटर ओ पनीर सेल्वम. 2 कोऑर्डिनेटर है उस पॉलिटिकल पार्टी के, 2 प्रोमिनेंट फेस है, एक तो कहा जाए तो पनीर सेल्वम है और दूसरा प्लानी स्वामी है. तो फिलहाल जो मद्रास के जो हाई कोर्ट है उसने क्या किया, एक डिसीजन के तहत उनको ग्रांट किया है, टेम्परेरी रिलीफ दिया है AIADMK के जो कोऑर्डिनेटर है, जो प्रोमिनेंट लीडर है पनीर सेल्वम को, फ्रॉम बीइंग स्ट्रिप्ड. यानी फिलहाल अगर देखा जाए
स्ट्रिप का मतलब हो गया एक तरीके से स्नेच करना, छीनना, ऑफ हिज पार्ट इन द पार्टी ज्वाइंट लीडरशिप। क्योंकि फिलहाल अगर देखा जाए AIADMK के अंदर फिलहाल ज्वाइंट लीडरशिप चल रही थी, यानी कि दो लोगों ने उस लीडरशिप को संभाला हुआ था, एक तो पनीर सलवेम है और दूसरा प्लानी स्वामी है। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए जो पनीर सलवेम है उनका जो एक पावर है, उनकी जो अथॉरिटी है, उसको उस पॉलिटिकल पार्टी से क्या किया जा रहा था, उसको छीना जा रहा था। और इसी बात को मतलब ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या किया था, हाई कोर्ट का रुख किया था। और फिलहाल हाई कोर्ट ने क्या किया, डिसीजन एक रिलीफ तो दिया, लेकिन मतलब उन दोनों का जो कन्फ्लिक्ट बना हुआ है उस कन्फ्लिक्ट का कोई अभी फिलहाल समाधान नहीं हुआ है। कुछ टाइम के लिए पनीर सलवेम का जो एक अथॉरिटी था उस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, उसको छीना जा रहा था, उसके ऊपर रोक लग गई है। लेकिन आने वाला टाइम बताएगा कि क्या उसका जो अथॉरिटी है उस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर उसको छीना जाता है या नहीं, टाइम विल टेल, वो समय बताएगा। बट इट इज डाउटफुल, लेकिन ये संदेह से भरा हुआ है, इसके अंदर डाउट है, डाउटफुल है। इफ इज आइसोलेशन का मतलब अलग करना, सेपरेशन करना, कैन बी प्रिवेंटेड फॉर लॉन्ग। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि अभी तो देखा जाए मद्रास हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया, जिसके तहत मतलब जिस डिसीजन दिया है पनीर सलवेम को उसके अथॉरिटी से उस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर उसकी जो अथॉरिटी है, जॉइंट ऑनरशिप जो है लीडरशिप है, उससे अलग किया जा रहा था, फिलहाल उसके ऊपर रोक लगा दी है, एक टेम्परेरी रिलीफ मिला है। लेकिन ये देखने वाली बात होगी क्या उनका आइसोलेशन है, क्या उनको उस पॉलिटिकल पार्टी से उस अथॉरिटी से अलग किया जाएगा, क्या उसको रोका जा सकता है एक लंबे टाइम तक, तो ये देखने वाली बात होगी। इट मे ओनली बी मैटर ऑफ टाइम, ये एक मतलब समय की ही बात होगी, समय की बात है, ये एक समय की बात होगी। बिफोर द 50 ईयर्स ओल्ड पार्टी, यानी एक 50 साल पुरानी एक पॉलिटिकल पार्टी है AIADMK, और उसके सामने कम्स अंडर द फुल कंट्रोल ऑफ कोऑर्डिनेटर एंड मिस्टर पनीर सलवेम पार्टनर टर्न राइवल एडापडी के प्लानी स्वामी। और फिलहाल अगर देखा जाए पनीर सलवेम के जो पार्टनर थे, पहले उन्होंने क्या किया था, जॉइंटली एक लीडरशिप को क्या किया था, कंट्रोल किया था AIADMK के अंदर। लेकिन बाद में जो पनीर सलवेम के जो पार्टनर है वो क्या हो गए, राइवल हो गए, कॉम्पिटिटर हो गए, जिनका नाम है एडापडी के प्लानी स्वामी, जो कि फिलहाल देखा जाए तो राइवल हो गए उनके लिए, और वो उस पॉलिटिकल पार्टी को पूरे के पूरे कंट्रोल में रखना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं जो पनीर सलवेम है उनका जो पावर है, उनकी जो अथॉरिटी है, उसको भी वो छीनना चाहते हैं, और पूरे का पूरा जो पावर है वो अपने पास कैप्चर करना चाहते हैं प्लानी स्वामी। व्हाट हैज डिवाइडेड, फिलहाल अगर देखा जाए तो जो जॉइंट लीडरशिप थी उसको किसने बांट दिया है, देम नाउ इज पॉसिबली, देखने वाली बात ये होगी संभवतः, दैट मिस्टर प्लानी स्वामी सीम्स टू हैव ग्रेटर सपोर्ट अमंग लेजिस्लेटर डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीज एंड हिज कैंप हैज बिगेन टू फील दैट मिस्टर पनीर सलवेम इज एंजॉइंग डिसप्रोपोर्शनेट क्लाउट इन द पार्टीज अफेयर। और फिलहाल देखने वाली बात ये है कि अभी तक वो दोनों के दोनों उस पॉलिटिकल पार्टी की जो पावर थी उसको दोनों के दोनों संभाल रहे थे, लेकिन सडनली क्या हुआ, दोनों के दोनों अब अलग होने की बात हो रही है, और जो प्लानी स्वामी है वो उस पूरी की पूरी पावर को कैप्चर करना चाहते हैं। तो ऐसा क्या हुआ, इसके पीछे की वजह बताई जा रही है कि जो प्लानी स्वामी जो है सीम्स का दिखाई पड़ना टू हैव ग्रेटर सपोर्ट, और ये दिखाई पड़ता है कि जो प्लानी स्वामी है उनके पास जो सपोर्ट है, जो समर्थन है, जितने भी लेजिस्लेटर हैं, जितने भी सांसद वगैरह हैं, उनका एक सपोर्ट है, लेजिस्लेटर का सपोर्ट है उनको, जितने भी डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीज हैं, सचिव हैं, उनका सपोर्ट है उनको, एंड कैंप, और उनका जो पूरा का पूरा कैंप है, उसका AIADMK का जो पूरा कैंप है, हैज बिगेन टू फील, उनको इस बात का महसूस होने लग गया है दैट जो पनीर सलवेम है इस enjoying, कि पनीर सलवेम क्या करते हैं, वो enjoy करते हैं disproportionate का मतलब हो गया irrelevant, clout का मतलब हो गया special influence का मतलब एक तरीके से दबदबा रखना in the party's affair, कि पनीर सलवेम क्या करते हैं, एक irrelevant तरीके से, एक अप्राकृतिक तरीके से, गलत तरीके से वो क्या करते हैं,
इन्फ्लुएंस करते हैं, पार्टी के अंदर अपना दबदबा बनाए रखते हैं और वो पार्टी के अंदर उस दबदबे को बनाए रखने के लिए उसको एंजॉय करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात जो पनीर सेल्वम करते हैं पलानी स्वामी को अच्छी नहीं लगी और इस वजह से वो उस उनकी जो अथॉरिटी है उसको छीनना चाहते हैं। एट अ जनरल काउंसिल, जिसको जीसी बोल सकते हैं, जनरल काउंसिल मीटिंग हो गया, काउंसिल एक अ ग्रुप ऑफ पर्सन कह सकते हैं जो मीटिंग के लिए होते हैं। ऑन थर्सडे, थर्सडे के दिन मतलब एक मीटिंग हुआ, AIADMK का एक जनरल काउंसिल हुआ, मीटिंग हुआ थर्सडे के दिन। इट वॉज एक्सपेक्टेड, इस बात को मतलब एक्सपेक्ट किया जा रहा था, इस बात की उम्मीद लगाई जा रही थी दैट द पार्टीज बाय लॉज, मतलब पार्टी बाय लॉज की अगर बात की जाए, पार्टी के जो नियम है कायदे हैं उसके हिसाब से वुड बी चेंज्ड टू अबॉलिश द करंट ड्यूल लीडरशिप। और फिलहाल ऐसा मतलब अंदाजा लगाया जा रहा था कि जिस तरह का टसल बना हुआ है तो कहीं ना कहीं मतलब पार्टी का जो ड्यूल लीडरशिप है, दो लोगों के पास मतलब नेतृत्व है, एक तो पनीर सेल्वम है और दूसरा पलानी स्वामी है, तो शायद वो ड्यूल जो लीडरशिप है, दोहरा जो एक नेतृत्व है उसको क्या किया जाएगा, चेंज किया जाएगा और उस ड्यूल जो लीडरशिप है उसको अबोलिश किया जाएगा। अबोलिश का मतलब किसी चीज को एंड करना, खत्म करना। फिलहाल दो कोऑर्डिनेटर्स हैं, एक तो पनीर सेल्वम है, दूसरा पलानी स्वामी है। एंड रिस्टोर का मतलब पुनः बहाल करना द पोस्ट ऑफ जनरल सेक्रेटरी एज अ सॉल्ट सीट ऑफ पावर। और एक मतलब दो ड्यूल कोऑर्डिनेटर की वजह वहां पर क्या होगा, एक सिंगल जनरल सेक्रेटरी होगा, सोल का मतलब ओनली सीट ऑफ पावर, और सिर्फ एक ही बंदे के पास क्या होगी, जो कि जनरल सेक्रेटरी होगा उस पार्टी का और उसके पास पावर होगी, वो ही एक लीडर होगा। ड्यूल क्या होगा, जो ड्यूल लीडरशिप उसको खत्म किया जाएगा, ऐसा कुछ संभावनाएं थी, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ हुआ नहीं जैसी संभावनाएं थी, राइट। सो दिस इज अ वेरी फर्स्ट स्लाइड। Now let us discuss the grammar concept. देखो, मैं आपका मॉडल वर्ब है जो कि पॉसिबिलिटी दिखाता है, प्रिवेंट आपका V1 हो गया, प्रिवेंट का मतलब होता है किसी चीज को रोकना। इसके बाद देखो मे हैव ग्रांटेड, ये आपका इमेजिनेशन हो गया, जब आप पॉसिबिलिटी शो करते हो इमेजिनेशन के थ्रू तो वहां पर मे हैव प्लस V3 आप यूज कर लेते हो। तो यहाँ पर देखो आपने हैव और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की है। फ्रॉम आपका प्रेपोजिशन हो गया, प्रेपोजिशन के बाद आप जनरली जीरंड यूज करते हो। जीरंड क्या होता है, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आईएनजी लगा देते हो तो जीरंड बन जाता है। तो यहाँ पर बीइंग आपने यूज किया और उसके बाद भी थर्ड फॉर्म यूज किया, तो यानी ये जीरंड पैसिव हो गया आपके लिए। कैन बी प्रिवेंटेड, कैन आपका एक मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद आपने बी प्लस थर्ड फॉर्म यूज कर दिया, और ये जो बी प्लस थर्ड फॉर्म है ये पैसिव का स्ट्रक्चर है। इसके बाद देखो हैज डिवाइडेड, हैज के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। इसके बाद देखो टू फील आपने यूज किया जो कि आपका इन्फिनिटिव केस है। इन्फिनिटिव क्या होता है, टू प्लस वी वन जो आप यूज करते हैं तो उसको आप इन्फिनिटिव केस बोल देते हैं। वॉज एक्सपेक्टेड, ये देखो बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया, बी का पास्ट फॉर्म जो होता है वो वॉज होता है और उसके बाद आपने एक्सपेक्टेड यूज कर लिया जो कि थर्ड फॉर्म है। ये आपका पास्ट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। वुड आपका मॉडल वर्ब हो गया और उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। और टू एबोलिश आपने यूज कर लिया जो कि टू प्लस वी वन आपने यूज किया जो कि आपका इन्फिनेटिव केस है, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारा फर्स्ट स्लाइड था। नाउ लेट अस डिस्कस सेकंड स्लाइड, देखते हैं सेकंड स्लाइड चलते हैं। एंड अटेम्प्ट का मतलब प्रयास करना, टू ऑब्टेन मतलब प्रयास किए गए किसको प्राप्त करने के लिए, ऑब्टेन का मतलब रिसीव करने के लिए। एंड ऑब्टेन्ड सॉरी एन अटेम्प्ट टू ऑब्टेन रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर, रिस्ट्रेनिंग का मतलब हो गया एक तरीके से किसी को कंट्रोल करना या किसी चीज को रोकना, रिस्ट्रिक्ट करना। तो क्या कोशिश किया गया, एन अटेम्प्ट प्रयास किया गया किस चीज के लिए, रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर, रिस्ट्रेनिंग का मतलब हो गया, रिस्ट्रेनिंग का मतलब हो गया रिस्ट्रिक्ट करना अगेंस्ट द मीटिंग, यानी मीटिंग को रोकने के लिए क्या किया गया, एक प्रयास किया गया जिससे कि मीटिंग को ना किया जाए। फेल्ड बिफोर ए सिंगल जज, मतलब कहीं ना कहीं ये जो मीटिंग होनी थी जिसके तहत ये डिसाइड किया जाना था कि मतलब जो अथॉरिटी है, मतलब जो जो जॉइंट ऑनरशिप है या जो लीडरशिप है उसको खत्म किया जाए और सिंगल जनरल सेक्रेटरी को बनाया जाए। तो ये जो एक अटेम्प्ट किया गया था, प्रयास किया गया था, ये जो एक ऑप्टेन एन अटेम्प्ट टू ऑप्टेन रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर अगेंस्ट द मीटिंग, यानी मीटिंग करानी थी लेकिन मीटिंग को होने से रोकने के लिए एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर को लिया गया। फेल्ड बिफोर ए सिंगल जज, और ये जो मतलब ये था ना रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर था जो
वो क्या हो गया, फेल हो गया एक जज के सामने, मतलब उसको मतलब फेल हो गया, वो जा नहीं पाया। बट द पनीर सलवीम कैंप, लेकिन पनीर सलवीम का जो कैंप है उसका जो गुट है, मैनेज टू गेट द चीफ जस्टिस परमिशन। लेकिन कहीं ना कहीं जो पनीर सलवीम का जो ग्रुप है उसने क्या किया, किसी तरीके से मैनेज किया टू गेट द चीफ जस्टिस परमिशन टू मूव अ मिडनाइट अपील बिफोर अ बेंच। और कहीं ना कहीं मतलब जो पनीर सलवीम का जो कैंप है, गुट है, उन्होंने मैनेज किया किसी तरीके से, वो चीफ जस्टिस के पास परमिशन लेने के लिए गए कि मीटिंग की जाए टू मूव अ मिडनाइट अपील। और उन्होंने क्या किया, रात को जाके एक अपील लगाई बेंच के सामने कि क्या किया जाए, एक ऑर्डर पास किया जाए जिसके तहत क्या की जाए, एक मीटिंग की जाए और जो AIADMK का जो लीडरशिप है उसको डिसाइड किया जाए। पासिंग ऑर्डर्स एट अराउंड 4:30 AM, 4:30 बजे के आसपास ऑर्डर्स को पास किया गया। द बेंच रिस्ट्रेन, रिस्ट्रेन का मतलब होता है वैसे एक तरीके से कंट्रोल करना। द जीएस मीट जीएस फ्रॉम मेकिंग एनी डिसीजन। और बेंच ने, यानी जो जज चीफ जस्टिस का जो पैनल है, उन्होंने क्या किया, रिस्ट्रेन किया, रोका जीएस को, जनरल काउंसिल को, किसी भी तरह का कोई डिसीजन लेने के लिए अदर देन अपॉन 23 आइटम्स, यानी 23 ऐसे पैरामीटर्स थे जिसके ऊपर वो डिसीजन ले सकते थे, लेकिन उनको रिस्ट्रेन करने की कोशिश की ऑन दी एजेंडा, उस एजेंडा पे दैट हैव अप्रूवल ऑफ बोथ कोऑर्डिनेटर्स। मतलब कहीं ना कहीं वो सारे के सारे एजेंडा जिसके ऊपर ड्यूल लीडरशिप थी, यानी पनीर सलवेम और प्लानी स्वामी दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन था, दोनों उस एजेंडा के अंदर शामिल थे, तो ऐसे एजेंडे पर किसी भी तरह का डिसीजन लेने के लिए उनको क्या किया गया, उनको फिलहाल रिस्ट्रेन किया गया, उनको मना किया गया जिससे कि आगे जाकर कोई और ज्यादा कंफ्लिक्ट ना हो। दैट दे हैड अग्रीड ऑन, मतलब वो सारे के सारे एजेंडा जो क्या थे जिसपे वो दोनों सहमत हुए थे, अ सेट ऑफ रेजुलेशंस, रेजुलेशन का मतलब हो गया प्रपोजल्स, प्रस्ताव, वॉज यूज टू मेक अ प्राइमा फेस या केस। देखो प्राइमा फेस केस क्या होता है, देखें एट द फर्स्ट साइट, मतलब जब कभी कोई भी केस जज के सामने फर्स्ट टाइम जाता है तो जज उस बात को देखता है कि क्या ये केस ऑथेंटिक है या नहीं है। ऑथेंटिक होगा तो उसकी जो हीरिंग है उसका जो प्रोसीजर आगे स्टार्ट हो जाएगा, ऑथेंटिक नहीं है तो उसको वहीं पर क्या कर दिया जाएगा, उसको रद्द कर दिया जाएगा एक तरीके से। तो दे हैड अग्रीड ऑन, वो सारे के सारे पर्पज, वो सारे के सारे मतलब रेजुलेशन जिन पर वो अग्रीड हुए थे, अ सेट ऑफ रेजुलेशन वॉज यूज टू मेक अ प्राइमा फेस केस फॉर एन इंट्रीम ऑर्डर अगेंस्ट एनी अदर डिसीजन मेड। और किसी भी कोई डिसीजन लेने से पहले मतलब क्या किया गया, एक प्राइमा फेस मतलब जो केस जज के सामने आया था उसको क्या किया गया, उसको देखा गया और इंट्रीम ऑर्डर पास किया गया जिससे कि किसी भी तरह का कोई डिसीजन ना लिया जाए। फिलहाल जो टसल चल रहा है ड्यूल लीडरशिप को लेकर, तो उसके अंदर एक ऑर्डर पास किया गया, इंट्रीम का मतलब इंटरनल, एक ऑर्डर पास किया गया जिससे कि टसल जो है कंफ्लिक्ट वो आगे ना बढ़े और कोई भी मतलब डिसीजन ना लिया जाए। फिलहाल स्कल्टिंग, स्कल्टिंग प्लांस, स्कल्टिंग का मतलब हो गया एक तरीके से स्पॉइलिंग, स्कल्टिंग प्लांस फॉर एन इम्प्रोम्प्टू, इम्प्रोम्प्टू का मतलब हो गया विदाउट थिंकिंग बिफोर, और किसी भी तरह का कोई प्लांस को क्या ना किया जाए, स्पॉइल ना किया जाए बिना कोई डिस्कशन के, और डिसीजन ऑन दी लीडरशिप क्वेश्चन, मतलब कि लीडरशिप के क्वेश्चन को लेकर, मतलब जो अभी फिलहाल टसल बन रहा है तो इसी के लिए किसी भी तरह का कोई डिसीजन ना लिया जाए। फिलहाल ये जो टसल चल रहा है, ये जो जज के सामने जो फिलहाल ये जो अपील गई है तो वो उसको डिसाइड करेगा। तो जितने भी दोनों के दोनों जो लीडर्स हैं, चाहे वो पनीर सलवेम हो चाहे वो प्लानी स्वामी हो, तो उनको इस बात की हिदायत दी गई है कि किसी तरह का भी कोई डिसीजन ना लिया जाए जिससे कि कंफ्लिक्ट और भी ज्यादा गहरा ना हो जाए। अ क्वेश्चन अराइजेस ओवर द नीड, अब एक सवाल पैदा होता है किस पर, नीड के ऊपर, जरूरत के ऊपर, फॉर द 11th आर, जुडिशियल इंटरवेंशन, जुडिशियल इंटरवेंशन, 11th आर का मतलब होता है एट द लास्ट टाइम, मतलब आखिरी समय पर जुडिशियल इंटरवेंशन, जुडिशियल मतलब न्यायिक, न्यायिक इंटरवेंशन का मतलब हस्तक्षेप। अब ये जो एक सवाल पैदा होता है कि क्या जरूरत थी, ओवर द नीड फॉर द 11th आर जुडिशियल इंटरवेंशन,
अब यहाँ पर ये पैदा एक क्वेश्चन सवाल पैदा होता है कि ये पॉलिटिकल एक पार्टी का एक मुद्दा था तो वो उसको सुलझा सकते थे, इंटरनली वो उसको सुलझा सकते थे, लेकिन जुडिशियल जो इंटरवेंशन उसकी जरूरत क्यों पड़ी आखिरी समय पर? एनी लाइकली प्रिजिडस, प्रिजिडस का मतलब होता बायस, जिसको आप बोल सकते पक्षपात। अगर किसी भी तरह का कोई पक्षपात होने वाला था, कुड हैव ऑलवेज बीन सब्सिक्वेंटली, सब्सिक्वेंटली का मतलब आफ्टर दैट, इसके बाद, रेमिडिएट का मतलब हो गया उसका सोल्यूशन करना। अगर किसी भी तरह का कोई पक्षपात होने वाला था, मतलब अगर पॉलिटिकल जो पार्टी है दोनों के दोनों इंटरनली इस मुद्दे को सुलझा सकते थे, कोई भी जुडिशियल इंटरवेंशन की जरूरत ही नहीं थी, चाहे वो पनीर सेल्वम हो चाहे वो प्लानी स्वामी हो, वो पॉलिटिकल लीडर्स है AIADMK के, और वो इंटरनली इस मुद्दे को सुलझा सकते थे। और अगर किसी भी तरह का कोई प्रिजडियस होता, किसी भी तरह का कोई पक्षपात होता, तो उसको बाद में सब्सिक्वेंटली बाद में रेमिडिएट का मतलब हो गया उसका समाधान करना, तो उसको उसका समाधान किया जा सकता था इफ इट ट्रूली वेंट अगेंस्ट दी पार्टी मेजोरिटी व्यू। अगर पार्टी का जो मेजोरिटी है कि पार्टी मेजोरिटी के देखा जाता कि मेजोरिटी किसके साथ है, पन्नीर सेल्वम के साथ है या प्लानी स्वामी के साथ है, और अगर मतलब मेजोरिटी के अगेंस्ट भी जाकर कुछ किसी भी तरह का डिसीजन लिया जाता, तो डेफिनेटली सी बात है उस पक्षपात को मतलब क्या किया जा सकता था, जुडिशियल इंटरवेंशन के लिए ले जाया जा सकता था। तो सबसे पहले क्या किया जाना चाहिए था, सबसे पहले इंटरनली इस मुद्दे को सुलझाया जाना चाहिए था। इट इज डाउटफुल, लेकिन इस बात में भी संदेह है, whether a leader can seek a restraint on a majority-backed decision by which he would be possibly aggrieved. मतलब ये देखने वाली बात होगी कि मतलब ये भी एक संदेहफुल है, doubtful है कि whether a leader, कि एक जो leader है can seek मतलब look for restraint, restraint का मतलब control on a majority-backed, मतलब एक leader जिसको majority मिली हुई है, क्या वो उसको restrain करने की कोशिश करेगा उस decision को? मतलब मान लो कि एक पर्टिकुलर लीडर है दोनों में से जिसको क्या मेजोरिटी मिली है, क्या वो उसको उसके डिसीजन को रिस्ट्रेन करने की कोशिश करेगा? बाय विच ही वुड बी पॉसिबली अग्रीव्ड, मतलब वो डिसीजन जो मतलब क्या है जिससे उसको क्या होने वाला है, अग्रीव्ड का मतलब इन्फेस्टेड, जिससे वो पीड़ित होगा। अगर ऑब्वियस सी बात है पॉलिटिकल पार्टी है, दो लीडर्स है, एक मेजोरिटी के अंदर है, और मेजोरिटी वाला जो डिसीजन लेगा तो क्या वो दूसरा जो लीडर है वो उसको क्या करे, क्या उसे वो अग्रीव्ड होगा, क्या उसे वो पीड़ित होगा, इन्फेस्टेड होगा? इवन दो इसके बावजूद अ ड्यूल लीडरशिप सिस्टम इज इन प्लेस, अगर फिलहाल देखा जाए, अगर इसके बावजूद भी अगर ड्यूल लीडरशिप सिस्टम प्लेस में रहता है, यानी कि इसके बावजूद भी अगर ये जो दोहरी नेतृत्व वाली जो राजनीति है अगर रहती है वहीं पर, तो इसका फायदा क्या हुआ? इट इज डिफिकल्ट टू कंटेन, कंटेंट का मतलब होता है डिबेट करना, इस बात पर क्या करना, बहस करना। इट इज डिफिकल्ट टू कंटेन दैट नथिंग दैट लैक्स द अप्रूवल ऑफ बोथ लीडर्स कैन बी डिसाइडेड बाय द पार्टी अपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी, मतलब इट इज डिफिकल्ट टू कंटेन, इसमें भी मुश्किल होगा इस बात पर बहस करना, दैट नथिंग दैट लैक्स, मतलब कुछ भी ऐसा जो लैक करता हो, कमी हो, द अप्रूवल ऑफ बोथ लीडर्स, मतलब वो दोनों के दोनों लीडर्स की अप्रूवल की अगर किसी भी तरीके की कमी है, और उस कमी की वजह से कैन बी डिसाइडेड बाय पार्टी अपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी, तो अगर मतलब ये दोनों के दोनों लीडर्स की जो डिसीजन कुछ भी अप्रूवल की कमी है, तो क्या है जो पार्टी अपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है, पार्टी अपेक्स का मतलब हो गया सुप्रीम, और जो इस पॉलिटिकल पार्टी की अगर बात की जाए AIADMK की जो अपेक्स बॉडी है, तो वो क्या कर सकती है, वो अपना डिसीजन ले सकती है, वो डिसीजन दे सकती है, कहीं ना कहीं जो अपेक्स बॉडी है इस पॉलिटिकल पार्टी की, उसको बीच में आकर इंटरवेंशन करके दोनों पॉलिटिकल जो लीडर्स है उनका समाधान करना चाहिए, और इस ड्यूल जो लीडरशिप है उसको खत्म करना चाहिए कहीं ना कहीं, राइट। तो ये हमारा सेकंड स्लाइड था, नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। देखिए टू ऑब्टेन का मतलब यहाँ पर हो गया 2+V1, जो कि आपका इन्फिनिटिव केस हो गया, फ्रॉम आपका प्रेपोजिशन हो गया, उसके बाद आपने जीरंड यूज कर लिया मेकिंग V1+ING, हेड अग्रीड आपका हेड के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि आपका पास्ट परफेक्ट है, और इसके बाद आपने सेट ऑफ रेजुलेशंस, और सेट ऑफ रेजुलेशंस आपका यूज किया गया है, ये आपका हो गया सेट ऑफ रेजुलेशंस हो गया आपका, सेट ऑफ रेजुलेशन आपका हो गया कलेक्टिव, एक जो कलेक्टिव नाउन होता है उसके लिए यूज किया गया है,
और यहाँ पे was used जो कि collective noun यहाँ पर है, singular है, तो इसलिए आपने be plus third form आपने यूज कर लिया, जो कि आपका past indefinite passive structure है. The 11th hour आपका एक idiom है जो कि आपका, जिसका मतलब होता है last time पर. और इसके बाद देखो could always, could आपका मॉडल वर्ब हो गया. उसके बाद have plus been आपने यूज कर लिया जो कि आपका passive structure हो गया. remediate आपने यूज कर लिया थर्ड फॉर्म जो कि passive structure के हिसाब से यूज किया है. Subsequently का मतलब होता है after that जो कि आपका एक adverb है. इसके बाद देखो would be possibly aggrieved, would आपका model verb हो गया. उसके बाद be plus third form आपने use कर लिया जो कि आपका passive structure हो गया. To contain, to plus v1 आपने use कर लिया जो कि infinitive case है. Leaders can be decided, can plus be plus third form जो कि आपका passive structure है, यानी can आपका model verb हो गया. उसके बाद be plus third form आपने use कर लिया जो कि आपका passive structure है. Now let us move on to our last slide. After all, इसके बावजूद यानी आखिरकार it was the body, मतलब ये वही body है, apex body की बात की गई है जो कि इस political party की जो apex body है जो कि decision making करती है, that abolished, और इसी political party की जो apex body उसने abolish किया था, किसको end किया था, खत्म किया था, the general secretary post in 2017. 2017 के अंदर अगर देखा जाए तो ये जो apex body है किसी पॉलिटिकल पार्टी की AIADMK की, तो इसने क्या किया था, जनरल सेक्रेटरी का जो एक पोस्ट था, एक पद था, उसको खत्म किया था और उसकी जगह पे क्या किया था, क्रिएटेड द पोस्ट ऑफ टू कोऑर्डिनेटर्स और उसकी जगह पे दो कोऑर्डिनेटर्स यानी ड्यूल लीडरशिप को क्या किया था, क्रिएट किया था, पैदा किया था. इट हैड ऑल्सो चेंज द अनअमेंडेबल, अनअमेंडेबल का मतलब हो गया एक तरीके से विच कैन नॉट बी चेंज्ड, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता है. इट ऑल्सो चेंज द अनअमेंडेबल रूल दैट जनरल सेक्रेटरी शुड बी इलेक्टेड बाय द प्राइमरी मेंबर्स. और एट द सेम टाइम अगर देखा जाए तो पहले रूल क्या था इस पॉलिटिकल पार्टी का, जो जनरल सेक्रेटरी जो चुना जाएगा वो कैसे चुना जाएगा, शुड बी इलेक्टेड बाय द प्राइमरी मेंबर्स, ओनली जो प्राइमरी मेंबर्स है वो उसको क्या करेंगे, इलेक्ट करेंगे. ये एक ऐसा कुछ रूल हुआ करता था, उस रूल को भी कहीं ना कहीं इस अपेक्स बॉडी ने चेंज किया था. In 2021, 2021 की अगर बात की जाए, the party's executive committee, जो पार्टी की कार्यकारिणी जो समिति है, again amended the bylaws, और इसके बाद मतलब जो the party की जो कार्यकारिणी समिति है उसने क्या किया, दोबारा से इसके जो नियम है political party के उसके चेंज किए, उसके अंदर परिवर्तन किया, amend किया उसको, to the effect, इस प्रभाव से that the primary members would now elect the two coordinators jointly by single vote. और मतलब उसके बाद ये इसके अंदर चेंज किया गया कि जो प्राइमरी मेंबर्स हैं वो क्या करेंगे, वो इलेक्ट करेंगे, चुनाव करेंगे दो कोऑर्डिनेटर्स का, यानी एक सिंगल वोट से क्या कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, दो कोऑर्डिनेटर्स को चुन सकते हैं. ऐसा भी उसके अंदर क्या किया गया, अमेंडमेंट किया गया, उसके अंदर सुधार किया गया. मिस्टर पनीर सलवेम एंड मिस्टर प्लानी स्वामी, ये दोनों के दोनों क्या है, पॉलिटिकल लीडर हैं और इन दोनों के पास एक फिलहाल ड्यूल लीडरशिप है AIADMK की. वर जॉइंटली इलेक्टेड और दोनों को क्या किया, एक साथ उनको इलेक्ट किया गया इन ए सब्सिक्वेंट इलेक्शन. सब्सिक्वेंट का मतलब आफ्टर दैट इलेक्शन, जो इलेक्शन हुआ उस इलेक्शन के अंदर दोनों को एज ए कोऑर्डिनेटर इलेक्ट किया गया और दोनों के पास मतलब वो जो पार्टी की जो अथॉरिटी थी, लीडरशिप थी, दोनों के बीच में डिवाइड हो गई. One of the resolutions, मतलब एक जो प्रस्ताव था, जो resolutions मतलब decide किया जाना था, ultimately not taken up. आखिरकार वो जो एक resolution लिया जाना था, वो resolution नहीं लिया गया. At the GS meeting, जो general council की जो meeting हुई, उसके अंदर उस resolution नहीं लिया गया, was to ratify the decision. Ratify का मतलब हो गया reaffirm करना, पुष्टि करना, मतलब जिसका उस पर्टिकुलर रेजुलेशन की जो पुष्टि की जानी थी वो डिसीजन नहीं लिया गया. कहां पर, जनरल काउंसिल मीटिंग हुई तो उसके अंदर वो डिसीजन नहीं लिया गया. द इफेक्ट, प्रभाव ऑफ नॉन रेटिफिकेशन. नॉन रेटिफिकेशन का मतलब हो गया एक तरीके से मतलब असमर्थनीय, और जो असमर्थनीय जो इफेक्ट ऑफ ऑन द पार्टीज अफेयर रिमेन्स टू बी सीन. और फिलहाल मतलब जो एक रेजुलेशन था जिसका मतलब डिसीजन नहीं लिया गया, तो अब उसका जो एक डिसीजन नहीं लिया गया तो उसका पार्टी के जो अफेयर्स हैं, जो पार्टी के जितनी भी प्रतिक्रिया, पार्टी की जितनी भी एक्टिविटीज होंगी उसके ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये देखने वाली बात होगी. बट इट इज क्लियर, लेकिन ये बात साफ साफ है दैट मिस्टर पनीर सलवेम
ऑप्शंस आर लिमिटेड, कि मिस्टर पनीर सेल्वम के ऑप्शंस लिमिटेड है, बिल्कुल ऑलमोस्ट कम है, एंड टू आइदर प्लेइंग ए सबॉर्डिनेट रोल, और उनके पास सिर्फ ऑप्शंस क्या रह गए, या तो वो क्या कर सकते हैं, एक सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट मतलब सहायक का रोल प्ले कर सकते हैं, और स्ट्राइकिंग आउट इट ऑन हिज ओन, या खुद ब खुद इसको मतलब क्या कर सकते हैं, वो खत्म कर सकते हैं, या तो वो कोऑर्डिनेटर के रोल से अपने आप खुद को खत्म कर ले, या एक सहायक के तौर पर वो काम कर ले। यही ऑप्शंस फिलहाल मिस्टर पनीर सेल्वम के पास बचते हैं, क्योंकि प्लानिस जो स्वामी है उनके पास सपोर्ट है, ग्रेटर सपोर्ट है, तो शायद उन्हीं के पास वो लीडरशिप जाने वाली है। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल था आज का हमारा, आई ट्राई माई बेस्ट टू सिंप्लीफाई दिस आर्टिकल। So before I wind up this article, let us discuss the grammar concept of this slide. देखे, that यहाँ पे relative pronoun हो गया, और ये जो this body दिया गया, ये आपका relative pronoun से पहले जो भी noun या pronoun use किया जाता है, उसको antecedent बोलते हैं। Verb should agree according to antecedent. Abolish आपने use किया, जो कि V2 है आपका, जो कि past indefinite है। Had changed, had के बाद आपने third form use किया, जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो, सॉरी हैड के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज किया है, जो कि पास्ट परफेक्ट हो गया आपका। शुड बी इलेक्टेड, शुड आपका मॉडल वर्ब है, उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया, जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। वुड मॉडल वर्ब है, उसके बाद आपने इलेक्ट यूज किया, जो कि वी वन है आपका। वर जॉइंटली इलेक्टेड, वर प्लस वी थ्री आपने यूज किया, पास्ट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर है। जॉइंटली आपका यहाँ पे एडवर्ब हो गया, टू बी इन्फिनिटिव हो गया, उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया, जो कि पैसिव स्ट्रक्चर है। अनलिमिटेड, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, आइदर और का कॉम्बिनेशन होता है, जो कि आपका क्या है, कोऑर्डिनेटिंग, ये क्या है, कंजक्शंस है, राइट। सो माय डियर रीडर्स, दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम दिस आर्टिकल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टुमारो आई विल कंटिन्यू विद अनदर आर्टिकल, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।